जनपद महोबा समाजवादी पार्टी द्वारा एक निजी होटल में चौपाल और जनसंवाद कार्यक्रम करो गांव है, जिसमे प्रजापति समाज के एक सैकड़ा लोग शामिल रहे हैं, जिसमे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने जनसंवाद कार्यक्रम का संबोधित कर मौजूदा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पे जम के निशाना साधो है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में जनसंवाद कार्यक्रम के चौथे चरण में महोबा पधारे रमेश प्रजापति ने केंद्र और राज्य की सरकारन का महंगाई और भ्रष्टाचार से घिरत भय जम के निशाना साधो है। उन्हें बताओ है कि मौजूदा सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, इन्हें आम जनता किसान और मजदूरन से कौन लेवो देवो नहीं गया। यही क्रम में हाल फिलहाल में कांग्रेस को दामन छोड़ सपा में शामिल भय मनोज तिवारी बताते हैं कि महंगाई का लेके आम जनता मौजूदा भाजपा सरकार से नाखुश है और एक ही चला 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिसका लेके आगामी दिनों में जनसंवाद और चौपाल जैसे कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। महंगाई से जनता इस समय बहुत परेशान है, किसान इस समय खाद का सीजन चल रहा है, खाद से परेशान है, खाद्य तेल से परेशान है, चारों तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार सुन नहीं रही है। तो समाजवादी आंदोलन पार्टी के कार्यक्रम इसी लिए चल रहे हैं कि महंगाई से जो मार पड़ रही है जनता को उससे जोड़ के और एक आगामी जो चुनाव होना है उसमें समाजवादी सरकार बना के अखिलेश जी की सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इसका आने का उद्देश्य ये जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार, इन्होंने इन गरीब लोगों के साथ साथ सभी के साथ विश्वास को छला है। 2014 में इनको बड़ा विश्वास करके सत्ता में बैठाया था, लेकिन चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजली व्यापारी हो, सभी के साथ इन्होंने छल कपट किया है। महंगाई की जब अगर बात करें तो महंगाई पर धोखा, अगर बेरोजगारी की बात करें तो उस पर धोखा, सभी कामों पर इन्होंने धोखा दिया है। आज जो दिल्ली की सीमा पर किसान बैठा है उसके साथ भी छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया और ये मेहुल चौकसी, ये सिर्फ उसकी कठपुतली बनकर रह गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनका कोई विकास से लेना देना नहीं है। ये बात हम समझाने के लिए आज हमारा ये पांचवा चरण है, कल हम पहुंचेंगे बांदा और फिर चित्रकूट होंगे, ये हमारे पांचवें चरण का प्रोग्राम है। जब खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता नितिन नामदेव की, तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।